तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रुद्र, आप देखा आप इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आज हमारे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया साथ ही साथ पबजी मोबाइल के अंदर आ चुका है वीक 3 के मिशन। तो जितने भी सारे मिशन आए हैं सबको मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो। एंड साथ ही साथ आज गेम के अंदर आया है वोशन आर्कलॉड एक सूट का स्पिन। तो किसने कितना स्पिन किया नीचे कमेंट पर जरूर बताना, आपको क्या कुछ आइटम मिला है ये कमेंट पर बताना ना भूलना। तो मैंने 600 सिल्वर फ्रेगमेंट से 2 बार स्पिन किया एंड मुझे 1 बार कॉइन मिला एंड 1 बार स्टार फ्रेगमेंट मिला। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास पहले भी था, अभी ये एक और मिला है एंड अभी ये 1 बार मुझे मिला है। तो आपको क्या कुछ आइटम मिला है कमेंट पे ज़रूर बताना। फिलहाल वीडियो एंड तक देखो, जितने भी सारे मिशंस आए हैं वीक 3 के अंदर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं फटाफट से। तो वीक 3 का जो सबसे पहला मिशन है ये एक मल्टी ऑप्शन मिशन है। सबसे पहला यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिल रहा है कि आपको 5 एनिमीज को एक सिंगल मैच के अंदर किल करना है क्लासिक मोड के अंदर, जो कि नॉर्मली हो जाता है हम सभी का। एंड उसके बाद आता है फिनिश मोर देन 12 प्लेयर्स इन ए सिंगल मैच इन एरिना। तो TDM के अंदर एक सिंगल मैच के अंदर आपको 12 एनिमीज को किल करना है, ये भी काफ़ी ईजिली हो जाता है। एंड आखिरी वाला जो है कि कम्प्लीट 2 ब्रदर्स इन आर्म मैचेस। तो बेसिकली इनमें सबसे इजी है एरिना का। तो अगर आप एरिना खेलते हो 10-12 किल इजिली कर लेते हो तो आपका ये इजिली कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको यहाँ से मिल जाएगा 125 आरपी पॉइंट। तो नेक्स्ट मिशन यहाँ पर है कि क्लासिक मोड के अंदर आपको एयर ड्रॉप्स को 6 बार ओपन करना है एज ए स्क्वाड। तो ये जो एज ए स्क्वाड वाला मिशन अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है मुझे गेम के अंदर। एंड जितना मुझे लगता है कि अगर आपके टीममेट्स भी क्रेट ओपन करेंगे तब भी आपका शायद इसमें काउंट होता है। तो आप कमेंट पर बताना अगर ऐसा हो रहा है कि अगर आपका टीममेट एयर ड्रॉप ओपन कर रहा है तो आपका मिशन के अंदर काउंट हो रहा है या नहीं, ये कमेंट पर जरूर बताना। बाकी नॉर्मली आप 6 बार एयर ड्रॉप ओपन कर सकते हो तो आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है स्क्वाड फ्रेंड बूस्ट मिशन। तो बेसिकली इसके अंदर आपको बोला गया है ट्रैवल करना है आपको 20,000 मीटर तक किसी भी व्हीकल के अंदर क्लासिक मोड के अंदर। एंड अगर आप रॉयल पास फ्रेंड के साथ खेलते हो एंड वो भी किसी व्हीकल को चलाता है एंड आप भी किसी व्हीकल के चलाते हो तो दोनों का काउंट होगा, मतलब आपके मिशन के अंदर उसका काउंट होगा एंड उसके मिशन के अंदर आपका काउंट होगा। तो आप रॉयल पास फ्रेंड का हेल्प ले सकते हो इस मिशन को कंप्लीट करने में, तो आपका जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक हैंडशेक वाला साइन, मतलब इस मिशन के अंदर अगर आप किसी रॉयल पास फ्रेंड के साथ कंप्लीट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा आरपी पॉइंट मिलेगा। अगर आपके ग्रुप के अंदर एक रॉयल पास के प्लेयर है तो आपको 30 आरपी पॉइंट मिलेगा, 2 प्लेयर अगर आप रॉयल पास के हैं तो आपको 45 आरपी पॉइंट मिलेगा। एंड आपके बाकी जो 3 टीममेट है वो अगर तीनों के तीनों ही रॉयल पास प्लेयर्स है तो आपको 60 आरपी पॉइंट्स मिलेंगे। तो मिशन यहाँ पर काफ़ी सिंपल, आपको बोला गया है कि मोसिन निगैन जो राइफल है उसको आपको 20 मिनट के लिए उठा के रखना है आपके पास क्लासिक मोड के अंदर। काफ़ी सिंपल मिशन है, इजीली मिल जाता है मोशन निगन, तो उसको उठा के रख लो अपने कंधे पे एंड घूमते रहो इधर उधर। एंड रॉयल पास फ्रेंड के साथ अगर आप खेल रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आता है और एक मल्टी ऑप्शन मिशन जहाँ पर आपको बोला गया है कि शॉटगन लेके आपको लिवी क्लासिक मोड के अंदर 4 एनिमीज को किल करना है। सेम मिशन है कि मीरामार के अंदर आपको 4 एनिमीज को किल करना है शॉटगन लेके क्लासिक मोड के अंदर। एंड चौथा भी सेम है, इरंगेल मैप के अंदर आपको 4 एनिमीज को किल करना है शॉटगन लेके क्लासिक मोड के अंदर। तो कोई से भी शॉटगन आप उठा सकते हो एंड 4 एनिमीज को आपको बेसिकली किल करना है, तो ईजिली हो जाएगा। जो मैप आप खेलना पसंद करते हो उस मैप के अंदर इसको कंप्लीट कर लो। अगर आपको जल्दी कंप्लीट करना है तो आप लिविक सिलेक्ट कर सकते हो। तो भाई मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वीक 3 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मिशन ही मल्टी ऑप्शन मिशन है। तो और एक यहाँ पर मल्टी ऑप्शन मिशन आ जाता है जहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको M16A4 लेके 12 एनिमीज को किल करना है क्लासिक मोड के अंदर या मिशन इग्निशन के अंदर, या फिर आप 80 एनिमीज को मार सकते हो एरिना के अंदर। तो दोनों में से कोई से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं तो भाई यहाँ पर क्लासिक मोड सिलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि सिर्फ 12 एनिमीज को मुझे किल करना है। अगर आप TDM के अंदर इसको कंप्लीट करना चाहो तब भी आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट सिमिलर टाइप का मिशन लेके आपको स्कारेल लेके 15 एनिमीज को किल करना है क्लासिक मोड या मिशन इग्निशन के अंदर। एंड ऑप्शन यहाँ पर है कि आपको 100 एनिमीज को स्कारेल लेके किल करना है एरिना के अंदर। तो आप क्लासिक के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो, एरिना के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी आता है वीक 3 के आखिरी मिशन जहाँ पर आपको बोला गया कि कंपनसेटर को आपको उठाना है 15 मैचेस के अंदर क्लासिक मोड के अंदर। तो नॉर्मली हम लोग कंपनसेटर उठाते रहते हैं तो ईजिली आपका ये खेलते खेलते कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था वीक 3 के सारे मिशन। तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन आपको कर दिया। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है मिशन रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, नहीं तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम के अंदर DM कर सकते हो। मेरा इंस्टा ID है RP_information। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो डेली इन्फॉर्मेटिव स्कोर वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मेरा मिस ना करो। तो चलिए फिर मुलाकात होगा और एक नया वीडियो के साथ। तो चलते हैं, have a nice day।